कल पंजाब में चुनाव की वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थम चुका है और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को उत्सुक नजर आ रही है। लेकिन अब इस वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी की सिख समाज के संतों के साथ एक अहम मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई। पीएम मोदी को राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। उनके अगले कदम की न मीडिया को भनक लगती है और न ही विपक्ष को। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अपने दिल्ली स्थित आवास में सिख समुदाय के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पंजाब में बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसके लिए उसने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के अलावा अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींडसा धड़े के साथ गठबंधन किया है। पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लोगों के साथ लंबी बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच अच्छी बातचीत देखने को मिली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सुबह संत समाज और सिख समुदाय के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिख संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज की सेवा करने में सबसे आगे रहे। मुलाकात में करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र है, सिख गुरुओं की तारीफ है और बीच बीच में भावुक अपील भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने ही सिख संत समाज को अपने निवास पर आमंत्रित किया था। वहाँ पर उन्होंने सभी संतों से अपने दिल की बात कही। संतों को भी उनकी बात बोलने का पूरा मौका दिया गया। अब वैसे तो इस खास मुलाकात में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा उनका अंदाज। उन्होंने कई मौकों पर यह दिखाया कि वो सिखों की संस्कृति का काफी सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और सिख समुदाय के प्रमुख लोगों ने इस मीटिंग के दौरान उन्हें कृपाण भी भेंट की। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने आवास पर पहुंचे सिख समुदाय के लोगों की सेवा की। उन्होंने खुद अपने हाथों से नाश्ते की प्लेट वहां मौजूद लोगों को दी और कहा कि सेवा आज मुझे करनी है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद लोगों ने समुदाय के लिए उनके काम की सराहना की। करमजीत सिंह ने मोदी के हवाले से कहा कि सिखों से जुड़े गुण और सेवा उनके खून में है और ये हमारे दिलों को छू गया। सिंह ने समुदाय के लिए लंगरों पर जीएसटी हटाने सहित सरकार की विभिन्न पहलों की सराहना भी की। बैठक के दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने पीएम मोदी के हवाले से काफी सारी बातें कही। सिरसा ने कहा कि पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि वो हर दिन समुदाय के लिए काम करना चाहते हैं और उन्होंने अफसोस जताया कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने करतारपुर साहिब जैसे सिखों के पवित्र स्थलों को भारतीय क्षेत्र में लाने के मौके गंवा दिए। अगर प्रयास किए जाते तो पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों के बाद वो क्षेत्र भारत को मिल सकता था। पीएम मोदी ने सिख समाज और संत समाज के साथ मीटिंग के बाद समुदाय के कुछ लोगों का हाथ भी पकड़ा और साथ चलते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने सिख समुदाय के प्रबुद्ध जनों के साथ एक तस्वीर भी खिंचाई। पीएम मोदी की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पंजाब चुनाव की वोटिंग होने वाली है। किसान आंदोलन की वजह से सिखों का एक बड़ा समूह बीजेपी से नाराज बताया जा रहा था और ऐसे में पीएम ने इस मुलाकात के जरिए उन दूरियों को कम करने का प्रयास किया। सफल कितनी रही है मुलाकात, ये तो 10 मार्च को नतीजों के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन पीएम मोदी के इस अंदाज ने सिख समाज के दिलों को छू लिया। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।